नमस्ते, मैं हूँ आपकी प्यारी श्रेणु परेख, यानी कि आपकी जानवी मित्तल। और आज मैं आई हूँ, एक्चुअली मैं आई हूँ आपसे मेरा सेट इंट्रोड्यूस करने के लिए। मैं पहली बार आपको दिखाने जा रही हूँ कि मित्तल हाउस हमारा, जो कि इतना फेमस है पूरे इंदौर में, वो कैसा है एक्चुअली। चलिए, ये है हमारा मित्तल परिवार का मित्तल हाउस। वैसे आपने ऐसी यूनिक चीज़ें कहीं और देखी नहीं होगी। मैं मित्तल परिवार के बारे में ब्रैग तो नहीं कर रही हूँ, बट हाँ, जानवी का टेस्ट ही कुछ ऐसा है। ऑफ कोर्स मित्तल परिवार का टेस्ट भी कुछ वैसा है। अगर आप देखेंगे तो ये जो एक्चुअली पेंट किया हुआ है वो हैंड पेंटेड है। दिस इज़ एक्चुअली अ फैक्ट अबाउट द सेट। एंड हमारी जो एंट्रेंस ही है वही सबसे ज़्यादा ल्योरिंग लगती है सबको, और हमारा मित्तल परिवार इसी चीज़ के लिए फेमस है। अब सबसे पहले मैं आपको वो कमरा दिखाने जा रही हूँ जो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, और आप लोगों ने अब तक तो देख ही लिया होगा शो में। वो कमरा, जैसा कि मैंने कहा, जो आर्टिफैक्ट्स हैं हमारे घर में वो बहुत ही सिम्बॉलिक है और बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। तो ये जैसे आप जानते हैं, और ये पेंटिंग्स जो आप देखेंगे, गौर कीजिएगा, पेंटिंग्स है जो लैम्प्स है हमारे यहाँ के, वो बहुत ही डिफरेंट है, बहुत ही स्पेशल है। एंड जो कलर पैलेट यूज़ किया है हर कमरे में, दैट इज़ ऑल्सो डिफरेंट एंड यूनिक। अब मैं आपको पहला कमरा दिखाने जा रही हूँ। आपने देखा होगा ईशानी और सोनाली का कमरा है ये। सो वेलकम गाइज टू द गर्ल्स रूम। तो ये है सोनाली और ईशानी का रूम। शो में ऐसे दिखाया है कि दे शेयर अ रूम। मेरी जो बहन बनी है वो रहती है यहाँ पे। कमरा थोड़ा सा रॉयल कह सकते हैं। एक्चुअली हर अंडरलाइनिंग घर का आप देखोगे तो एवरीथिंग हैज़ अ रॉयल फील टू इट। और जैसे कि हमारी ईशानी थोड़ी सी डार्क है, इम्पेशेंट है, उसके हिसाब से उसका रूम बना हुआ है यहाँ पे। तो ऑल्सो अगर आप गौर फरमाएं तो ये जो बेड है, इट्स वेरी ब्यूटिफुल एंड बिल्कुल ईशानी के क्लास के हिसाब से बनवाया है जानवी ने। ऑल्सो घर में आप बहुत सारे शीशे देखेंगे अलॉन्ग विद ऑल द फोटो फ्रेम्स। यू विल सी अ लॉट ऑफ मिरर्स। और कहा जाता है कि बेडरूम में मिरर आपके बेड के आसपास नहीं होना चाहिए, इट्स नॉट राइट। तो विच इज़ वाई इट्स लाइक दैट। दिस इज़ आर लिटिल कॉफ़ी टेबल जहाँ पे मैं ईशानी को टिप्पणियाँ देती हूँ। आपने वो सीन तो देखा ही होगा जहाँ पे ईशानी वॉज गेटिंग ऑल इम्पेशेंट और मैं उसको पानी पिलाती हूँ, उसको चुप कराती हूँ। तो ये है हमारा पहला कमरा ईशानी और सोनाली का। एक और चीज़ आप लोगों को मैं दिखाना चाहती हूँ, वो है शैंडलियर। हमारे पूरे मित्तल परिवार के जो रूम्स हैं सब में यूनिक तरीके के शैंडलियर्स रखे गए हैं। एंड ऑल्सो अगर आप देखेंगे पर्दे, इट्स वेरी प्रिटी, जो वुडन फ्रेम्स जिसे हम पालमेट कहते हैं, तो पालमेट भी बहुत सुंदर है हमारी। और जैसे कलर पैलेट के बारे में बता रही थी, बहुत ही सॉफ्ट कलर के कर्टन्स हैं और जो वुडन पामेट्स हैं वो बहुत ही इंट्रिकेट हैं। सो वी आर डन विद वन रूम। अब चलते हैं हमारे अगले कमरे में। अब मैं एक बहुत ही स्पेशल कमरा आपको दिखाने जा रही हूँ। ऐसी छोटी मोटी चीज़ें आपको हर कॉर्नर में दिखेंगी जहाँ पे हमने ब्यूटीफुल छोटा सा सेटअप लगाया, जहाँ पे आप बैठ के चाय पी सकते हैं। हालांकि मित्तल परिवार को टाइम नहीं मिलता ये सब करने का, बट हमने घर सर्वगुण संपन्न बनाया। वेलकम टू दिस रूम। आई थिंक दिस इज़ माई पर्सनली श्रेणु पारिख फेवरेट रूम। दिस इज़ कबीर भैया एंड काव्याज रूम। सो प्लीज़ वेलकम। बहुत ही बड़ा और बहुत ही शानदार, कहते हैं ना जैसे मास्टर बेडरूम होता है वैसा इन दोनों का कमरा है। और बहुत ही खूबसूरत कलर पैलेट यहाँ पे यूज़ हुआ है। इट्स लाइक अ माचा टी जो होती है ना, उस शेड का उन्होंने वॉल बनाया हुआ है। एंड इट्स अगेन हैंड पेंटेड। अगेन इफ़ यू सी, देर इज़ अ लॉट ऑफ एंटी पेंटिंग्स एंड अ लॉट ऑफ आर्टिफैक्ट्स दैट यू वुड सी।
अब और आप जैसे कि जानते हैं कि मित्तल परिवार इंदौर से है और इंदौर जाना जाता है राजवाड़ा के लिए, तो हमारी जो अंडरलाइनिंग थीम है पूरे घर की वही है, एंड एवरीथिंग इज़ वेरी रॉयल। जैसे कि आप देखोगे ये ऐसी शेप हम नॉर्मली किसी घर में नहीं पाते हैं, बी इट मुंबई और एनीवेयर। सो इट्स वेरी टिपिकल एंड वेरी इंट्रिकेट और बहुत डिटेल्स के साथ ये बनाया गया है। ऑल्सो अगर आप ये वॉल देखें तो इट्स फ्लोरल, अगेन इट इज़ हैंड पेंटेड, नॉट टू फॉरगेट, बिकॉज बहुत ही प्यार से बनाया हुआ है एंड दिस होल रूम हैज़ अ वेरी आई हैव टू से राजवाड़ा फीलिंग। सो अगेन लाइक आई सेड, आपको छोटे छोटे कॉर्नर्स पे ये सारी चीज़ें मिलती रहेंगी और बहुत सारी सिम्बॉलिक चीज़ें भी मिलेंगी आपको इस घर में, जैसे कि ये शतरंज के घोड़े हमारे। से सिंस इट इज़ कबीर भैया रूम, इट्स वेरी सिम्बॉलिक दैट कबीर जो जानवी की शतरंज का हिस्सा है तो उसमें वो घोड़ा बनेगा। ओ एंड दिस इज़ वेरी ये कि कबीर और काव्या को बालकनी भी मिली है, मुझे बालकनी नहीं दी किसी ने, बहुत खूबसूरत बालकनी है जहाँ पे ये दोनों रोमांस करेंगे। लाइक आई सेड के पूरे घर में आपको मिरर्स बहुत दिखेंगे, अगेन आप देखोगे तो इट इज़ नॉट इन फ्रंट ऑफ द बेड एंड कहा जाता है कि वास्तु के हिसाब से ये सही होता है। सो अगेन अ वेरी रॉयल सॉर्ट ऑफ अ मिरर एंड इट्स नॉट नियर द बेड। कमिंग बैक टू आर सोफाज जिसके लिए लोग जाने जाते हैं, आप चीयर्स चीयर्स। ये कभी काव्या क्या करते मुझे नहीं पता, ये आई डोंट नो, मैंने कुछ नहीं किया। ये अगेन आप पेंटिंग देखोगे, दिस इज़ वेरी रॉयल, वेरी महारानी काइंड ऑफ अ पेंटिंग एंड जैसी जानवी है, जैसा उसका कैरेक्टर है वैसे उसने घर को सजाया है, हर जगह अपने अपने अंश छोड़े हैं। और ये सोफ़ा भी आप देखोगे बहुत ही रॉयल किस्म का है, आई डोंट नो यहाँ पे कबीर या काव्या कौन आराम करता है, बट आई रियली लाइक दिस सोफ़ा, दिस कॉर्नर एंड दिस बेड। कबीर और काव्या बहुत ही सिंपल किस्म के लोग हैं तो उनका बेड बहुत सिंपल है। जानवी का बेड देखना। तो विद दिस ओ एंड हमारे शैंडलियर्स हम कैसे भूल सकते हैं, कबीर और काव्या के रूम में दो शैंडलियर्स हैं, लाइक आई सेड इट इज़ अ मास्टर बेडरूम, तो बहुत ही खूबसूरत शैंडलियर उन्होंने रखा है इनके कमरे में। और ये जो आप देखोगे जो बेड के पीछे वाला हिस्सा है वो भी बहुत खूबसूरत है, इट्स वेरी डिफरेंट एंड इट गिव्स अ वेरी रॉयल रजवाड़ी फील। तो अब चलते हैं हम अपने घर के मेन एरिया में जो कि है लिविंग एरिया, बट उससे पहले ये सबसे फेवरेट कॉर्नर है जो मेरा, वो है डाइनिंग टेबल। इतना रॉयल और इतना बड़ा डाइनिंग टेबल आई थिंक मैंने कभी नहीं देखा इन आर शूट लाइफ। बहुत ही सुंदर वेलवेट वाली चेयर्स हैं, एक बड़ी सी कैंडल है, ढेर सारे फ्लावर्स हैं, आई थिंक इट्स अ वेरी क्लासी डाइनिंग टेबल। एंड हम लोग यहाँ पे मित्तल परिवार बैठ के खाना खाते हैं, यहाँ पे हेड ऑफ द फैमिली सिट्स, पीके मित्तल सिट्स, बट बहुत जल्दी मैं बैठूँगी। चलो अब इतना बड़ा घर है हमारा तो इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होता और हमेशा हर कोई डाइनिंग टेबल पे तो नहीं बैठता, जैसे मैंने कहा छोटी छोटी कॉर्नर्स हैं हमारे पूरे इतने बड़े घर में, दिस इज़ वन ऑफ दैट। यहाँ पे हमारे दादू बहुत पाए जाते हैं, सो दादू यहाँ पे बैठते हैं आराम करते हैं। हम कहाँ पाए जाते हैं वो है वहाँ, अगर आप देखोगे अगेन दीज आर ऑल नाइस हैंगिंग शैंडलियर्स, छोटे छोटे से लैम्प्स, आई वुड से कंदील कहते हैं ना जैसे हम, वो है। और यहाँ पे यूजुअली जानवी और काव्या और ईशानी, आपने सीन देखा ही होगा, यहाँ पे हम चाय पीते हैं दोपहर 4 बजे वाली एंड इट्स अ वेरी ग्रेट कॉर्नर। आप पीछे देखोगे तो ये जो कटआउट है जब दिन होता है तो पीछे से लाइट आती है ना, लुक्स वेरी प्रिटी। कम नाउ वील गो टू द नेक्स्ट रूम। अब मेन सिटिंग एरिया जो कहते हैं घर का, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है वो है ये। और आप देखोगे कि इट्स नॉट कलर कोऑर्डिनेटेड, वैसा ही हमारा मित्तल परिवार है, किसी की चॉइसेस मिलती नहीं है बट फिर भी एक साथ है, तो वैसे ही हमारे सोफ़ा सेट्स हैं यहाँ पे। अगर आप देखें ये दोनों कोऑर्डिनेटेड है, दैट्स अ वेरी प्रिटी ब्यूटीफुल पिंक कलर का सोफ़ा एंड यहाँ हमारे दादू बैठते हैं जब 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 हमारा कोई फैमिली फंक्शन या कुछ चल रहा होता है।
सो दैट इज़ इट. एंड आप वो आर्टिफैक्ट भी देखेंगे, वैसे ही हेल्पलेस जानवी मित्तल पूरे परिवार को बनाएगी जल्द. ये छोटू सा एक कॉर्नर है, आई थिंक आई रियली लाइक दिस. इट्स अ वेरी स्वीट, वेरी कोजी सा कॉर्नर. एंड अगेन बहुत सारी चीज़ें आपको सिम्बॉलिक दिखेगी इस घर में. घोड़े हैं, ये सुंदर सी पेंटिंग है हमारे यहाँ पे. पेंटिंग्स लाइक आई सेड, हो सकता है हमारे जो मित्तल्स के फोर फादर्स हैं उनको ऐसे शौक रहे होंगे, तभी हमारे इतनी लड़कियाँ हैं, इतनी वुमेन पेंटिंग्स हैं. जानवी डजंट नो एनीथिंग. अब इस पूरे परिवार का जो सबसे अहम हिस्सा है, जो कि मैं, उसका कमरा मैं दिखाने जा रही हूँ. एक्चुअली ये ध्रुव का कमरा है, पर अब ये जानवी का कमरा ज़्यादा हो गया है, तो मैं आपको मेरा कमरा दिखाने लेके जा रही हूँ. वेलकम. तो जैसी जानवी है, जिस कलर की साड़ी मैंने पहनी है वो वैसी बिल्कुल नहीं है. आई थिंक जानवी का जो कलर है, जो उसका सिंबॉलिक कलर है, वो है रेड. बट ये कमरा इतना ही सूदिंग एंड कूलिंग दिखेगा आपको. इट्स एक्चुअली अ बैलेंस बिटवीन जानवी एंड ध्रुव. जितनी ही खतरनाक जानवी, आई थिंक ध्रुव उतना ही सॉम्बर है, उतना ही सोबर है. तो उसी वही झलक आपको दिखेगी. सो इफ़ यू सी दिस, दीज आर वेरी यूनिक चेयर्स. आपने पूरे घर में ऐसी चेयर्स नहीं देखी होगी, बट आई थिंक दैट दिस इज़ वेरी जानवी. यस, इट्स कॉल्ड महाराजा चेयर, लाइक आई सेड राजवाड़ी. तो बिल्कुल उसी किस्म का है. तो ये क्लोज़ेट भी आप देखोगे छोटू सा, इट्स वेरी डिफरेंट. अगेन ऐसे खुलता है जैसे हम पुराने ज़माने में एंटीक घर में जैसे देखते थे हम, वैसा. खाली है बिल्कुल, जानवी के दिल की तरह. ये सोफ़ा है, जब मैं ध्रुव को भाव नहीं देती तब वो बेचारा यहाँ सो जाता है. अभी हमारे बीच में प्यार नहीं हुआ है. और जैसा कि मैंने कहा था, जानवी का रूम और उसका बेड सबसे ज़्यादा अलग है. आप मेरा बेड देखोगे, इट्स वेरी रॉयल. आप ये कलर भी देखोगे तो इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यूजुअली द बेड्स आर. इट गोज़ विद आवर थीम, इट्स टर्कोइज ब्लू, बट दिस इज़ अ वेरी इंग्लिश शेड, वेरी वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यूजुअली इट इज़. टर्कोइज इज़ द रूम का थीम. सो या दैट्स इट. और ये आप देखेंगे तो ये जब रात को ध्रुव को थूकना होता है तब वो इसमें थूकता है. इट्स अ थूकदानी. जब कहते हैं जानवी को सब थूक दो, तब मैं थूक देती हूँ. अगेन शीशा विच इज़ नॉट इन फ्रंट ऑफ द बेड, इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट. सो या दैट इज़ देयर. और ये हमारा एक छोटू सा एक कॉर्नर है जहाँ पे हम यूजुअली चाय पीते हैं और बहुत अच्छे अच्छे सीन्स करते हैं, मैं और ध्रुव इस कॉर्नर पे. तो यहाँ पे हमने खुद अपना एक छोटा सा घर बनाया हुआ है. अगर आप देखोगे तो इट्स वेरी सफिशिएंट फॉर जानवी टू नॉट गेट आउट ऑफ द हाउस. तो ये आउट ऑफ द रूम. सो आई थिंक दैट इज़ इट. और ये भी देखोगे आप, ये जो कॉर्नर ही है, पूरा सेमी सर्कल टाइप्स ऑफ इंटीरियर उसका बना है. एंड हमारे पास बालकनी नहीं है, पर मैं लेके रहूँगी. चलो, शैंडिलियर कैसे भूल सकते हैं. हमारा शैंडिलियर भी ऐवे ही है. ध्रुव ने कभी कुछ ध्यान नहीं दिया तो हमारा शैंडिलियर इज़ ओके. बट अगेन मैं लड़ूंगी, हर चीज़ के लिए लड़ूंगी. यस, फ्लावर्स आप देखोगे जो बिल्कुल ही विपरीत है जानवी से. एंड अगेन दिस मिरर इज़ वेरी प्रिटी. एंड यू कैन नॉट फॉरगेट द वॉल, जो हमारी थीम है उसके हिसाब से पीपल का जो लीफ होता है वो हैंड पेंट किया हुआ है और बहुत ही रॉयल किस्म का लुक देता है पूरी वॉल को, इनफैक्ट पूरे कमरे को फॉर दैट मैटर. सो या दैट वाज जानवी मित्तल्स रूम फॉर यू. तो ये था मेरा, यानी कि जानवी मित्तल का कमरा. दिस वॉल इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग. अगर आप देखोगे इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. बहुत सारे मिरर्स हैं और मिरर्स यूजुअली इस चीज़ के लिए देखे जाते हैं कि किसी को अपनी शक्ल देखनी होती है, अपना असली रूप देखना होता है. बट यहाँ पे कोई नहीं देखता, मैं सबको दिखाऊंगी. ऑल्सो दिस इज अगेन माई फेवरेट कॉर्नर. यहाँ पे बहुत सारे फूल हैं, हमेशा खिले खिले से रहते हैं, पर इन्हें क्या पता ये फूल बहुत जल्द मुरझाने वाले हैं. What to do?
मैं आपको ऊपर लेके जाने वाली हूँ। तो ये है हमारा स्टेकेस एरिया, जहाँ पे अगेन आपने बहुत सारे सीन्स देखे होंगे। जो वो वाला एरिया है, वहाँ पे मेरी मम्मी जो मॉम इन लॉ है उनका कमरा है। हालांकि उनका कमरा ससुर जी के साथ तो बिल्कुल है नहीं, वो अकेले रहती है, तो वो वहाँ रहती है। और वो कमरा है कबीर भैया का। ये है हमारा मित्तल परिवार और उनका घर। कैसा लगा आपको हमारा घर? आई एम श्योर अच्छा ही लगा होगा, है इतना अच्छा, इतने प्यार से और इतनी नफरत से बनाया हुआ। तो ऐसा है हमारा मित्तल परिवार और हमारा मित्तल हाउस। लगता तो परफेक्ट है, हम पर बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं है, क्योंकि सर्वगुण संपन्न तो सिर्फ मैं हूँ। अब वो एक भ्रम है, वो उन्हें थोड़ी पता है, पर आपको पता है। इसीलिए जानवी की ये जर्नी आप देखिए स्टार प्लस पे शाम 7 बजे मंडे टू फ्राइडे। एक भ्रम सर्वगुण संपन्न।